hello very good morning to all today we will discuss about one table that table shows that axial skeleton now this table shows details of the human skeleton how many bones are there in the human skeleton इन द एग्जियल स्केलेटन देर इज अ स्क यहाँ पे ये यह जो स्कर्ल है इसके नीचे हम लोगों ने जो क्रैनियम देखे थे टोटल क्रैनियम कितने हैं क्रैनियम के नंबर एट नाउ इन फेस फेस में टोटल बोन कितने हैं फोर्टीन नेक्स्ट हाइइड ये हाइइड बोन जो है वो वन है नेक्स्ट है इन ईयर ऑसिकल्स देर आर

bone is 26 and in thorax region sternum and the ribs sternum there is one sternum and total rib is 24 so here axial skeleton con contains subtotal 80 bone and this number is axial skeleton in axial skeleton total 80 bones are there now in the appendicular skeleton there is girdle first girdle is pectoral girdle next is the upper limbs next is a pelvic girdle and the lower limbs in pectoral girdle there is a calvicle. two number of clavicle

There is presence of femur, patella, tibia, fibula. Number of femur is 2, patella, number of patella is 2, tibia, 2, and fibula is 2. And the tarsals, there are 40 bones. And the metatarsals, there, there are 10 bones. And the phalanges, there are 28 bones. So, subtotal is 126. सो हियर टोटल बोन इन एडल्ट ह्यूमन इज़ टू जीरो सिक्स तो इस तरीके से ये ह्यूमन स्केलेटल बोन एग्ज स्केरेटल बोन के नंबर से यहाँ पे गिवन है ये नंबर्स आप लोगों को याद रखना है कि टोटल कितने बोन्स अवेलेबल है नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिफ्रॉइंट बोन देखा था

लाइट वेट होना चाहिए सो so, कुछ एनिमल्स में हॉलो बोन भी अवेलेबल होते हैं बट ये इथमॉइड बोन दिस मेडियन बोन ये मेडियन बोन है एंड इसका अपेयरेंस कैसे है स्पॉन्जी इन अपेयरेंस इट इज लोकेटेड एंटीरियर टू द सिफनॉइड एंड पोस्टीरियर टू द नेजल बोन कहाँ पे अवेलेबल है इट इज़ लोकेटेड एंटीरियर टू द सिफनोइड एंड पोस्टेरियर टू द नेजल बोन नेजल बोन के पोस्टेरियर साइड में अवेलेबल है एंड इथमॉइड बोन एंटेरियर साइड ऑफ द सिफनाइड बोन यहाँ पे अवेलेबल है इट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द नेजल सेप्टम एंड इस मेजर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द नेजल कैविटी इथमॉइड बोन का कॉन्ट्रीब्यूशन किस में है इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द नेजल सेप्टम यह जो हमारा नेजल सेप्टम फॉर्म हुआ है इसमें इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके फॉर्मेशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है सो so, हमारा जो नेजल कंपार्टमेंट है टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द नेजल सेप्टम एंड इस मेजर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द नेजल कैविटी एक पर्टिकुलर मेजर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है इन द नेजल कैविटी इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ द इमोएबल जॉइंट ये चैप्टर में हम लोग पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ इमोबल ज्वाइंट्स ये देखने वाले हैं इन स्कल देयर आर मैनी सूचर्स प्रेजेंट फोर प्रोमिनंट वर्न आर यहाँ पे जो स्कल रीजन है यहाँ पर मैनी सूचर्स अवेलेबल है तो उसमें से फोर प्रोमिनेंट्स कौन से कौन से हैं तो सबसे पहला है मेनी इमूएबल जॉइंट अवेलेबल है एंड कुछ जॉइंट मूवेबल भी है तो स्कल में देर आर मेनी सूचर्स अवेलेबल है एंड इसमें हम लोग बोलेंगे फर्स्ट जो है कुछ प्रोमिनेंट सूचर्स है कोरोनल सूचर्स सेकेंड है सेजाइटल सूचर्स एंड लैम सूचर्स एंड लैटरल स्कॉमस सुचस तो इसमें फर्स्ट जो है कोरोनल सुचर्स जॉइन फ्रंटल बोन विद द पराइटल ये कोरोनल सुचर फ्रंटल बोन को पराइटल बोन के साथ ज्वाइन करता है नाउ ये जो सजाइटल सुचर्स है इट ज्वाइन द टू पराइटल बोन ये टू पराइटल बोन को जॉइन करता है नेक्स्ट है लेम्बॉइडल सुचर दिस लॉम्बाइडल सुचर ज्वाइन द टू पराइटल बोन विद द ऑस्िपिटल बोन ये टू पराइटल बोन को ऑसिबिटल बोन के साथ जॉइन करने में हेल्प करता है लॉम्बाइडल सुचर्स एंड लैटरल कॉमर्स सुचर्स दिस जॉइन दराइटल एंड द टेम्पोरल बोन ऑन द लैटरल साइड सो देर आर फोर सुचर्स फर्स्ट इज अ कोरोनल सुचर्स

दिस जॉइंग द टू पराइटल बोन विद दिटल बोन एंड नेक्स्ट वन इज अटरल अदरवाइज कॉमर्स सुचर्स दिज जॉइंग द पराइटल एंड टेम्परल बोन ऑन द लैटरल साइड तो यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है नेम द आइडेंटिफाई एंड द लेबल नेम द ए बी सी डी फ्रॉम द फिगर एंड डिस्कस इन द ग्रुप सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे जो डायग्राम है एग्जैक्ट यहाँ पे आप लोगों को नेम लिखना है एंड लेटर ऑन उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट है फेसियल बोन फोर्टीन फेशियल बोन गिव द कैरेक्टरिस्टिक शेप टू फेस एंड ग्रोथ ऑफ द फेस स्टॉप ऑफ द एज ऑफ सिक्सटीन फेशियल ग्रो बोन्स आर एज अंडर हमारे फेशियल बोन है ये जनरली क्या कर रहे हैं फेशियल बोन यूज द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द फेस हमारे फेस को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने का वर्क ये फेशियल बोन करता है एंड हमारे फेस की जो ग्रोथ है ये जनरली स्टॉप हो जाती है कम एट द एज ऑफ सिक्सटीन एंड फेशियल जो बोन है इसमें कौन से कौन से बोन आते हैं तो सबसे पहले नैजल नेक्स्ट है मैग्जिला नेक्स्ट है पैलाटीन झाइगोमैटिक बोन लैक्रीमल बोन इन्फेरियर नजल कौन से वोमर मैंडीबॉल हाइड बोन एंड ईयर ऑसिकल तो यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों को गिवन है एंटेरियर व्यू ऑफ द स्कल तो इसमें हम लोग एक आप लोगों को एक इमेजिन कर सकते स्कल में स्कल में एग्जैक्ट किस तरीके के बोन अवेलेबल है तो सबसे ऊपर यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है फ्रंटल बोन ये जो पोर्शन दिख रहा है दिस पोर्शन इज दिस पोर्शन कंटेन्स द फ्रंटल बोन नाउ यहाँ पे साइड में हम लोगों को और कुछ लेबल दिख रहा है पराइटल बोन नाउ जो हमारे नोज में अवेलेबल है दैट बोन इज कॉल एज अ नेजल बोन एंड इसके साइड में हम लोगों को एक कैविटी दिख रही है यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इथमॉइट बोन एंड इसके साइड में यहाँ पे हम लोगों को फिर से एक लैक्रिमल बोन दिख रहा है

जो पोर्शन है इसे हम लोग बोलेंगे मैग्जिला नाउ दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ बोन इट इज़ कॉल एज अ इन्फेरियर बोन एंड दिस कैविटी इज कॉल एज अ सिफ्नॉइड बोन एंड दिस बोन इज कॉल एज अ टेम्परल बोन एंड द दिस वन अगेन कॉल एज अ सिफनॉइड बोन तो इस तरीके से अगर हम लोग स्कल का एंटीरियर व्यू देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट बोन से हमारा स्कल जो है ये बना है तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है एंटीरियर व्यू ऑफ द स्कल ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है और कौन सा बोन कहाँ पे है इसे एग्जैक्ट आप लोगों को याद करना है एंड नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कौन से बोन अवेलेबल हैं हमारे फेस में फेशियल बोन ये हम लोग रिवाइज करने वाले हैं तो यहाँ पे फेशियल बोन फेशियल बोन फोरटीन फेशियल बोन गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक शेप टू द फेस हमारे फेस को नीर अबाउट फोर्टीन फेशियल बोन एक शेप शेप प्रोवाइड करते हैं एंड ग्रोथ ऑफ द फेस स्टॉप ऑफ द एज ऑफ सिक्सटीन हमारे फेस की जो ग्रोथ है ये कब स्टॉप हो जाती है एट द एज ऑफ सिक्सटीन फेशियल बोन्स आर एज अंडर तो सबसे पहला जो फेशियल बोन है फर्स्ट है नेजल्स तो यहाँ पर प्यर बोन फॉम द ब्रिज ऑफ द नोज ये नेजल है यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्यर बोन है एंड ये पर्टिकुलर एक ब्रिज फॉर्म कर रहा है नोज में इसमें मैग्जिला अपर जॉ बोन्स ये जो मैगजीला रीजन हम लोगों ने देखा था डायग्राम में हम लोगों ने मैग्जिला पोर्शन देखा था मैग्जिला पोर्शन दिस मैग्जिला पोर्शन इट इज कॉल्ड एज अ दिस इज अ अपर जॉ बोन कहाँ पे अवेलेबल है दिस मैग्जिला बोन इज अवेलेबल इन द अपर जॉ बोन एंड प्यर बोन दैट जॉइन विथ ऑल द फेशियल बोन ये जो प्यर बोन है ये क्या कर रहा है एक पर्टिकुलर प्योर बोन है मैगजिला ये क्या ज्वाइन कर रहा है ऑल द फेशियल बोन एक्सेप्ट द मैंडीबल ये ऑल फेशियल बोन को ज्वाइन कर रहा है एक्सेप्ट द मैंडीबल क्योंकि ये मैंडीबल ये लोअर जॉ में अवेलेबल है अपर रो ऑफ टीथ एंड लॉज इन दिस नाउ नेक्स्ट जो है इट इज कॉल्ड एज अ पैलेटाइन फिर से ये जो पैलेटाइंस है ये प्यर बोन है एंड दिस पैलेटाइन फॉर्म द रूप ऑफ द बक्कल कैविटी इट इट जनरली फॉर्म रूप ऑफ द बक्कल कैविटी और फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी एक पर्टिकुलर बक्कल कैविटी का रूप प्रोड्यूस कर रहा है और फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी नेक्स्ट हमारा जो बोन है फेशियल बोन साइगोमेटिक बोन

दिस लेक्रिमल बोन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फेशियल बोन ये जो हम लोगों ने डायग्राम देखी है यहाँ पे हम लोगों को लेकरिमल बोन दिख रहा है ये जो लैक्रिमल बोन है ये हमारे फेशियल बोन में एक स्मॉलेस्ट बोन अवेलेबल है एंड दिस बोन फॉर्म द मेडियल वॉल ऑफ द इच ऑर्बिट जनरली ये बोन जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का एक मेडियल वॉल फॉर्म कर रहा है एंड दे हैव द लैक्रिमल फोसा दैट हाउसेस द लैक्रिमल सैक इसे ये लैक्रिमल बोन को एक लैक्रिमल फोसा अवेलेबल है एंड दैट हाउसेस द लैक्रिमल सैक एक पर्टिकुलर सैक को कवर कर रहा है एंड दिस गैदर टीयर एंड सेंडू द नेजल कैिटी और ये सेक क्या कर रहा है टीयर्स को गैदर करता है एंड कहाँ पर सेंड करता है इन टू द नेजल कैविटी सो ये लैक्रीमल बोन ये हमारे फेस में स्मॉलेस्ट बोन है एंड ये क्या फॉर्म कर रहा है इट फॉर्म द मिडियल वॉल ऑफ द इच ऑर्बिट एंड इट हैव द लैक्रीमल फोसा एंड देट हाउस इज अक्रीमल सेक एंडर को गैदर कर रहा है पार्ट ऑफ द लैटर वॉल ऑफ द नेविटी दिस हेल्ड दिल एंड द फिल्टर एयर बिफोर इट पास टू द लंग इन्फेरियर नेजल कौन से ये क्या फॉर्म कर रहा है फॉर्म द पार्ट ऑफ़ द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी एक पर्टिकुलर ने कैटी की एक लेटरल वॉल फॉर्म कर रहा है एंड दिस हेल्ड द स्विल एंड फिल्टर एयर बिफोर इट पासिस टू द लंग किस में हेल्प कर रहा है इट हेल्ड द स्विल एंड फिल्टर एयर एयर को फिल्टर करता है एंड बिफोर इट पासिस टू द लंग्स नेक्स्ट है वोमर वोमर इट इज अ मेडियन roughly triangular bone that form the inferior portion of the nasal septum ये वोमर है ये median median roughly triangular bone है and क्या form कर रहा है that form the inferior portion of the nasal septum nasal septum का inferior portion form कर रहा है कौन वोमर and ये triangular in nature है triangular दिखता है ये next bone है मैंडिबल दिस मैंडिबल बोन दैट फॉर्म द लोअर जॉ ये मैंडिबल बोन लोअर जॉ फॉर्म कर रहा है लार्जेस्ट एंड द स्ट्रोंगेस्ट फेशियल बोन ये एक लार्जेस्ट एंड द स्ट्रोंगेस्ट फेशियल बोन है ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल ये एक पर्टिकुलर स्कल में एक मूवेबल बोन है कौन सा मैंडिबल ये लोअर जॉ में अवेलेबल है और ये लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन है इट हैज़ अ कर्व हॉरिजॉन्टल बॉडी एंड द टू परपेंडिकुलर ब्रांचेस इसकी जो बॉडी है ये कर्व एंड द है एंड इट हैव द टू परपेंडिकुलर ब्रांचेस दैट इज अ रैम एंड इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स इट हैज़ लोअर रो ऑफ द टिथ लॉज इन इट सो ये मैंडीबल मैंडीबल दिस मैंडीबल बोन इट फॉर्म द लोअर जॉ एक लोअर जॉ फॉर्म कर रहा है एंड ये मैंडीबल लार्जेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट फेशियल बोन है एंड ओनली द मूबल बोन ऑफ द स्कल हमारे स्कल में ये एक मूवेबल बोन है इट हैज़ अ कर्व हॉरिजोंटल बॉडी इसकी बॉडी कर्व हॉरिजॉन्टल है एंड टू परपेंडिकुलर ब्रांचेस है दैट इज रैमी एंड दिस हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ़ द मसल्स किस में हेल्प कर रहा है इट हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ़ द मसल इट हैज़ लोअर रो ऑफ द टिथ लॉज इन तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो पोर्शन है हाईड बोन का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे